हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हेलो, वेलकम टू मास्टर मुद्गिल चैनल। आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चैंपियंस नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है हमारे सामने जिसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्होंने हाल ही में इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की। इसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसका मुख्य उद्देश्य है एमएसएमई क्षेत्र की सभी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, उनकी शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना है। यह पोर्टल एमएसएमई चित्र को नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करेगा। इसमें उपकरण चिकित्सा, उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा, उपकरण मास्क आदि का भी निर्माण आदि शामिल है। और एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारे सामने हैं जिसका सही आंसर होगा स्ट्रीट वेंडर। तो ये स्ट्रीट वेंडर जो हमारे हैं इनके लिए ये लोन का प्रावधान किया गया है। इसमें 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा और जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट के तहत उनको वापसी राशि लौटानी होगी। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की जब घोषणा की थी तब उन्होंने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज की घोषणा की, और ये आवंटित राशि हमारी भारतीय GDP का 10% है। ये 10% जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर खर्च किया जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार ग्लोबल प्लान के तहत किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है PPE को कीटाणु रहित करने के लिए अभी हाल ही में किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया? तो ये जो PPE किट हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो PPE किट हैं उनको कीटाणु रहित करने के लिए DRDO ने अभी इस किट को लॉन्च किया है और इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन नेशन वन कार्ड योजना में अभी हाल ही में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे सामने हैं जिसका सही आंसर है अभी 3 नए राज्य इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो जो 3 राज्य हैं उनका नाम है सिक्किम, ओडिशा और मिजोरम। इसकी घोषणा अभी श्री रामविलास पासवान ने की 1 जून 2020 को, जो कि हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। तो अब तक यह योजना 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत है। तो चलिए इसे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के किस संगठन ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया? तो ये जो सी टैप अभी लॉन्च किया है ये हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। COVID-19 के तहत ये सभी देशों में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सी टैप लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म है COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल। तो ये हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे कि WHO का मुख्यालय जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इनके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम, ये जो कि काफ़ी अभी पीछे विवादों में रहे थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य दिवस जो अभी हाल फिलहाल में अभी 2 जून को मनाया गया है, क्योंकि 2 जून को ही इसका स्थापना दिवस, मतलब ये 2 जून 2014 को इसको अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था के चंद्रशेखर राव, और इनके यहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है,
हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और इसकी आधारिक भाषा भी तेलुगु ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे स्टील मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसी ने संभाला है? अभी ऑप्शन हमारे सामने हैं, जिसका सही आंसर है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं, ये जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने अभी हाल फिलहाल ये पद संभाला है। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान। ओके, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने गिरवी रखे गए शेयरों के जरिए 24.19% की हिस्सेदारी DTH डायरेक्ट टू होम डिस में खरीदी है? ऑप्शन हमारे सामने हैं, जिसका सही आंसर है यस बैंक। और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्ट। तो अभी ये पांचवा मौका है जो कि यस बैंक ने एक गैर बैंकिंग व्यवसाय के दौरान किसी कंपनी में मुख्य हिस्सेदारी खरीदी है। अब यस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इनके MD और CEO हैं, वो हैं प्रशांत कुमार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये हाल फिलहाल अभी हमारे विराट कोहली बने हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इनको भुगतान किया जा रहा है। इनको लगभग 26 मिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ, ये अनुमानित आय के साथ अभी 66वें स्थान पर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे जो खेल मंत्री हैं वो किरण रिजिजू ने करा, और ये ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से इन्होंने किया है, जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे साई के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से की गई। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जो हमने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही आंसर है 30 मई। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए, अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बन गई है? इसका जवाब आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल निश्चित ही मदद मिलेगी। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन आएगा, तो आप इसे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।